एक्साइटमेंट हो रही है मोर सो बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक विक्की इज परफॉर्मिंग विक्की कौशल सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिज परफॉर्मेंस आई सॉ सम इंस्टा स्टोरी ही पुट अप सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट विक्की थैंक यू सो मच इट्स अ लवली गाउन बाय गैविन मिगुएल एंड क्या बोलूँ बहुत पसंद आई मुझे इसलिए पहनी मैंने सुना नहीं कौन सी जी काफ़ी डिफरेंट है और मेरी अपकमिंग विजय देवरकोंडा एक मल्टीलिंगुअल लव स्टोरी है उसमें आई प्ले अ म्यूजिशियन सो इट्स अ रियली नाइस अवतार इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव डन प्रीवियसली सो एक्साइटेड अबाउट दैट सर मैं होस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ मैं सर कुछ गाने हैं थोड़ा पंजाबी फ्लेवर रखा है उरी के गाने हैं और मनमर्जियाँ के गाने हैं सो एक्साइटेड हूँ सर नॉमिनेशन तो है बट आई वुड होप कि काफ़ी अवार्ड्स मिले सर मुझे पता नहीं हाँ जी क्या क्या कह रहे हैं हाँ जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल हमारा फॉरेस्ट बचाना चाहिए एक एक झाड़ इम्पॉर्टेंट है एक एक झाड़ जितना कुछ हमें देता है वो शायद हम नहीं कर सकते उतना बट एवरी लिटिल प्लांट एवरी सैपलिंग एवरी ट्री शुड बी सेव बिकॉज वी आर आंसरेबल टू द जनरेशन कमिंग हेंस सो आई होप समथिंग गुड कम्स आउट हाँ जी अवार्ड्स की डेफिनेशन बहुत अच्छी वैलिडेशन होती है अच्छा लगता है कि तुम्हें अवार्ड्स मिलते हैं एंड आप इतनी मेहनत करते हो काम करते हो लोगों का प्यार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है पर उसके बाद जब आपको ट्रॉफी मिलती है तो घर पे रखने में अच्छा लगता है कि यार कुछ मेहनत की थी जिसका एक रिवॉर्ड मिला बहुत एक्साइटेड हूँ पहली बार आईफा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो एज अ पार्टिसिपेंट कि जिनको मैं आज तक देखता आया हूँ सिनेमा में उनके सामने परफॉर्म करना उनके साथ स्टेज शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सॉरी क्या मुझे सुना आप कुछ नहीं अच्छा ये बात मुझे पहली बार पता लगी है तो जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहेगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा देखिए बातें चलती होती हैं बट दे हैव देयर ओन कैलकुलेशंस और अपने नतीजे निकलते हैं बट आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म केम आउट एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट फिल्म थैंक यू किसके बारे में तख्त के बारे में तख्त फरवरी में शुरू होगी हमारी शूटिंग उसकी तैयारी फुल फोर्स में ऑन है और उससे पहले मैं उधम सिंह ख़त्म करूँगा शूटिंग और फिर बाद में हम तख्त में जाएंगे हाँ जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हाँ जी बहुत बड़ी फिल्म है बहुत बड़ी कास्ट है और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि जब हम एक फ्रेम में होके एक्टिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिंग ना निकल जाए तो हम बड़े खुश हैं कि अच्छे से हो बट आई एम रियली वेटिंग फॉर द प्रोसेस टू स्टार्ट वेरी एक्साइटेड वेलकम टू रेड टॉक